Opportunity to share our work on Saathiyas, which is another community-based intervention and process, how it's shaping. And again, like the previous morning group, I hope you will all enjoy their performance. They are not professional actors. They are real Saathiyas and from Madhya Pradesh who have tried to, they will be demonstrating, showing you how their selection happens, how they are being trained, what are the challenges they face when they work, what are the initiatives government has taken to link them with various incentives, how mentoring chain has been established, different job aids have been put in place, and how the NGO model, a public-private partnership model, is really working to facilitate this community process. So I request you to give a big round of applause to our champions from Madhya Pradesh. साथिया कौन है, कहां से आया, किसने बनाया है, कौन बताएगा? आप बताएंगे, कौन बताएगा? अच्छा, हम बताएंगे। चलिए तो जानते हैं कौन है ये साथिया। गांव में रहने वाले किशोर किशोरी अपने बीच से ही कुशल नेतृत्वकर्ता किशोर किशोरियों को ही तो बनाते हैं अपना साथिया। और हाँ, फिर आशा एवं स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होता है उनका सत्यापन। फिर मास्टर ट्रेनर 6 रविवार की ट्रेनिंग देकर ही तो बनाएगा साथिया। फिर साथिया अपने गांव में जाकर के बनाएगा अपनी टीम यानी साथिया ब्रिगेड, जिसमें होंगे 10 से 19 वर्ष के 20-20 किशोर और किशोरियां। फिर आशा एवं मेंटर्स मिलकर करेंगे मासिक बैठक का आयोजन, जिसमें सुलझाए जाएंगे मुद्दे और होगी कॉमिक बुक पर चर्चा। और हाँ, इनके सहयोग और देखरेख के लिए जिले में DC, ब्लॉक में BCM, परामर्शदाता, क्लस्टर में सहयोगनी और ग्राम में आशा एवं NGO मेंटर्स रहेंगे उपस्थित। तो लीजिए, हो गई हमारी साथी बैठक तैयार। अब चलिए चलते हैं साथी बैठक में। मैम, हाँ? ये कॉमिक बुक क्या है और इसमें क्या है? अरे अभी बैठक में तो चले, वहीं पता चल जाएगा क्या है इस कॉमिक बुक में। तो दोस्तों, क्लस्टर मीटिंग के बाद चलते हैं ब्रिगेड मीटिंग के लिए। साथी अपने गांव में कैसे ब्रिगेड मीटिंग करते हैं और उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, देखते हैं इस बैठक के माध्यम से। काम भले का करे साथिया, हर किशोर का दोस्त साथिया। काम भले का करे साथिया, हर किशोर का दोस्त साथिया। अरे मुस्कान, इस बार की क्लस्टर मीटिंग तो बहुत बढ़िया हुई और अपने सविता दीदी और विवेक भैया ने खूब प्रैक्टिस कराई नहीं कॉमिक बुक पे। हाँ माधव, और इस बार का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी तो जैसे हमारे गांव की ही लग रही है, क्यों? एकदम सही कहा मुस्कान तूने। इस बार की ब्रिगेड मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने गांव में बदलाव लाना है तो हमें अपने सभी दोस्तों का साथ होना जरूरी होगा। एकदम पते की बात कही तुमने माधव। और इस बार क्लस्टर मीटिंग में भी तो हमारी समस्या सुनी गई, और तो और डिपार्टमेंट ने जो हमें इंसेंटिव देने की पहल की है ना, वो तो और भी बढ़िया है। हाँ, CCA के तहत साथिया को 1 साल काम करने पर मार्क्स मिलेंगे और वोकेशनल कोर्सेज में
प्राथमिकता। अरे वाह मुस्कान, हमारी तो लॉटरी लग गई लॉटरी। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे साथिया बनने के लिए तैयार होंगे और बढ़िया काम भी तो करेंगे। अरे अब चलो चलो, बच्चों को भी तो बुलाना है। हाँ, हाँ, चलो चलो। अरे वो अपने चार सहयोगी साथिया कहाँ पे है? अरे वो चारों देखो वहाँ से चले आ रहे हैं। हेलो हेलो। क्या दोस्तों, आज तो बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। माधव मुस्कान, हम लेट नहीं हुए, हम तो कब के अपने काम पे लग गए थे। क्यों दोस्तों? हाँ। अब हमें सहायक साथिया की भूमिका जो निभानी है। और हाँ, हमने आपका सारा काम कर दिया है। हम दोस्तों के घर गए थे उनको बुलाने के लिए। वो 15 मिनट में पंचायत भवन पहुँचने वाले हैं अपनी मासिक बैठक के लिए। अरे भागवत, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ एक बात और, मुकुंद ने कविता ने आने से मना कर दिया। वो कह रहे थे ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं चाहिए। अच्छा। इसमें समय की बर्बादी है। अच्छा। और हाँ ये भी कह रहे थे तुम्हें तो मोटा मोटा पैसा मिलता है और हमें क्या, सिर्फ ज्ञान। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, उन्होंने आने से सिर्फ मना ही किया है ना। हाँ। तो ऐसा करेंगे, हम मीटिंग के बाद विवेक भैया को लेके उनके घर चलेंगे उन्हें समझाने के लिए। अरे देखो, अरे देखो, देखो, विवेक भैया भी तो आ रहे। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? अरे आप सब खड़े यहीं बतियाते रहोगे या चलोगे भी मीटिंग लेने के लिए? अरे वाह दोस्तों, आज तो आप सब हमसे पहले ही आ गए। लगता है सबको कॉमिक बुक बढ़िया लगने लगी है और मजा भी आने लगा है। हाँ मुस्कान, जब से कॉमिक बुक मिलने लगी है तब से ये बैठक और भी मजेदार हो गई है। और तो और घर वाले भी इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे हैं। अरे चलो चलो, आज हम सब एक महत्वपूर्ण कहानी पढ़ेंगे और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा भी करेंगे। हाँ माधव, मैंने कॉमिक बुक की कहानी पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे हमारे गांव की ही कहानी हो। अरे हमारे गांव की भी तो अधिकतर लड़कियां आते जाते वक्त छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, पर कुछ कह नहीं पाती हैं। ये कहानी इसी मुद्दे पर है। ठीक है, तो हम कहानी पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। हाँ तो ठीक है, सबने कहानी पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली। यहाँ के कहानी का सारांश बताना चाहेगा ताकि सबकी समझ एक जैसी बने। मैं बताऊँ? हाँ बताओ बताओ। इस कहानी का पाठ मेरे नाम से इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। क्यों हंस क्यों रहे हो तुम लोग, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? तुमने बात ही ऐसी की है। अरे कैसे, इस कहानी में उनके जैसे आम लड़कियां स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ को सहती हैं, फिर कैसे आशा दीदी और सरपंच दीदी की मदद से सारी लड़कियां मिलकर उन छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को समझाते हैं। अरे भाई लड़को सुधर जाओ, नहीं तो हमारी दोस्त हमें डंडे से पिटवाएगी डंडे से। और तो और ये लड़कियां तो दुर्गा देवी का अवतार बनती जा रही है। जय हो दुर्गा माई की। अच्छा अब आप बताओ कि हमारे गांव में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, हम तो बहुत शरीफ है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। हाँ कभी कभी कुछ बोल देते हैं मजाक में। तुम सब ना एक नंबर के झूठे हो, झूठे ना सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ देख लेना, हम भी नहीं चुप रहेंगे, ऐसी हरकत दोबारा की ना तो हम भी ऐसी हरकत का करारा जवाब देंगे। हाँ भाइयों, लड़कियां सही तो कह रही हैं, हम जाने अनजाने में ही सही छेड़छाड़ तो कर ही देते हैं, पर इसका सीधा असर इनकी मानसिक स्थिति पर होता है। तो ठीक है, आज से हम कसम खा दें कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अरे वाह दोस्तों, तुम लोगों का साथ रहा तो हम लड़कियां स्कूल भी जा पाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बिल्कुल, हम सब साथ साथ हैं और कल से ना हम मिलकर स्कूल जाएंगे ताकि किसी को छेड़छाड़ का शिकार ना होना पड़े। बहुत बढ़िया दोस्तों, अरे इस मुद्दे पे तो सबको जागरूक करना पड़ेगा, क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल। पर ये होगा कैसे? अरे मुस्कान, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अगली बार हमें अपने गाँव में
किशोर स्वास्थ्य मेला लगाना है ना, क्यों दोस्तों? हाँ, क्यों ना इसी मुद्दे पर मेला लगाएं, रैली निकालें, नाटक करें, उस कॉमिक बुक का इस्तेमाल करते हुए। हाँ, कैसा रहेगा? अरे वाह आनंद, तुमने तो एकदम धांसू आइडिया दिया है, धांसू। अरे आनंद, तुम्हारा दिमाग कब से चलने लगा? कब से? जब से इस मीटिंग में आने लगा हूँ। अच्छा। अरे भैया, आज की मीटिंग तो बहुत बढ़िया चली और काफी लंबी भी तो चली। हाँ। अरे अब सबको अपनी अपनी पढ़ाई भी तो करनी है। हाँ, और हाँ, काम भी करने हैं। हाँ। शुक्रिया दोस्तों आने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तुम लोग क्यों बोले, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हाँ। कि तुम लोग बिना स्वार्थ के गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हो। हाँ। चलो दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले महीने एक नए मुद्दे के साथ और नई कॉमिक बुक के साथ। अरे वाह माधव और मुस्कान और तुम्हारे चारों सहायक साथिया, आज तो तुमने बहुत अच्छी मीटिंग कर ली और खूब चर्चाएं भी की मीटिंग में तुम लोगों ने। हाँ भैया। अब तुम्हें पता चला ना कि मीटिंग में हमें कैसे सवाल करना चाहिए। हाँ भैया। जिससे हमारे दोस्तों के और चर्चाएं बढ़े। हाँ। और सवाल निकल के आए। हाँ। पता चला ना। हाँ भैया। अब ऐसे ही मीटिंग करते रहो, हमें तुम लोगों से यही उम्मीद थी। हाँ भैया, आपने पहले बता दिया था इसलिए हमने अपने सवाल पहले से ही तैयार करके रखे थे। और हाँ भैया, आपका सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलने से हम और भी बढ़िया काम कर सकेंगे। बहुत अच्छा, तुम लोग ऐसे ही काम करते रहो। अब हमें बबली के गांव जाना है मीटिंग करने के लिए, इसलिए हम चलते हैं। ठीक है जी भैया। काम भले का करे साथिया, हर किशोर का दोस्त साथिया।